सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब्र रखें आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त आदम। ये तो कोई तरीका नहीं है, वोटिंग ऐसे तो नहीं होती, ऐसे तो नहीं होती। आप थोड़ा सा सब्र करें, आप बात तो सुन ले ना, आपकी बात तमूल से सुनी है, बात सुनने का को भी मौका दें प्लीज। और दावे जमहूरियत के करते हैं, दावे जमहूरियत के करते हैं, बात सुनने की सख्त ही नहीं है, बात तो सुने। जनाब स्पीकर आज मैं आपके एक सेकंड खामोशी, खामोश रहे, देखें खुद भी बात करें, दूसरे को भी बात करने दें, ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा जी शाह साहब, जनाब स्पीकर ये इतना संजीदा मसला है, हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं, इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस तनाव की कैफियत है, और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ, मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है, पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम एक हमारी ये दयानतदार है जनाब वाला, आज बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने फैटफ का ताना दिया, और फैटफ में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी पाकिस्तान को, नून के दौर में, नून के दौर में पाकिस्तान को फैटफ में धकेला गया, ताने हमें दे रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, यही दावा था बजट पे, बजट पास हुआ और आपने देखा, आपने कहा कि फैटफ पे अक्सरियत नहीं है, फैटफ का लेजिस्लेशन हुई, ये है इनकी सोच जनाबे वाला। ये आज बात कर रहे हैं इदारों पर हमले की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को मुतनाजा कौन बना रहा है, हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। आज जनाब स्पीकर बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो, आज मुझे लगता है, मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनके इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है जनाबे वाला। फिर इनको इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो, पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशत गर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियां और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिये को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम को नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, बिल्कुल।